नमस्कार, मैं शिवा कुमार। देश के 15वें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 18 जुलाई यानी सोमवार को वोटिंग हो गई है। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और अगले राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 25 जुलाई को होना है। राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से द्रौपदी मुर्मू तथा संयुक्त प्रगतिशील संगठन की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। द्रौपदी मुर्मू इसके पहले झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। आदिवासी नेता मुर्मू के निर्वाचित हेतु मुर्मू आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोमवार को मतदान हुआ। इसमें 99% से अधिक सांसदों और विधायकों ने वोट डाला। चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा प्रत्याशी हैं। वोटिंग के बाद अब एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत और अधिक पुख्ता होती नजर आ रही है, क्योंकि मुर्मू के पक्ष में विपक्ष के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। समाजवादी पार्टी, एनसीपी, कांग्रेस जैसे दलों के विधायकों ने मुर्मू को वोट कर दिया है। कई विधायकों ने खुलकर इसे जाहिर भी किया है। द्रौपदी मुर्मू को कुल 27 से ज्यादा दलों का समर्थन मिल रहा है। इनमें एनडीए के अलावा विपक्ष के कई दल शामिल थे। मुर्मू आदिवासी परिवार से आती हैं, ऐसे में उन्हें ज्यादा दलों का साथ मिला है। खासतौर पर दक्षिण भारत के राज्यों के विपक्षी दलों ने चुनाव से पहले ही मुर्मू के समर्थन में वोट देने का ऐलान कर दिया था। इसमें YSR कांग्रेस, बीजद जैसे बड़े दल भी शामिल थे। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी, सोहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट ने भी मुर्मू के समर्थन में वोट डालने का ऐलान किया था। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पास सिर्फ 14 दलों का समर्थन ही था। देशभर के सभी विधायकों के वोट की कीमत का जोड़ 5,43,231 है। विधायकों और सांसदों के कुल वोट की कीमत को मिलाकर इलेक्ट्रोल कॉलेज कहा जा सकता है। यह संख्या 10,86,431 होती है। इस तरह जीत के लिए आधे से एक वोट की ज़्यादा जरूरत होती है, मतलब उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 5,43,216 वोट चाहिए होंगे। जिन पार्टियों की तरफ से मुर्मू को समर्थन मिला है उनमें से सत्तासीन एनडीए के 3.8 लाख वोट, बीजद के 32,000 वोट, AIDMK के 17,200 वोट, YSR कांग्रेस के 44,000 वोट, TDP के 65,000 वोट, शिवसेना के 25,000 वोट और JDS के 5,600 वोट शामिल हैं। इसके अलावा झामुमो, सुभाषपा समेत अन्य दलों के वोट जोड़ दें तो मुर्मू के पास करीब 6.67 लाख वैल्यू से ज़्यादा के वोट हैं। ये आंकड़े जीतने के लिए जरूरी संख्या से करीब 1.5 लाख ज्यादा हैं। वहीं मुर्मू के पक्ष में विपक्ष के कई सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग भी की है। इस तरह से मुर्मू की जीत के आंकड़ों का अंतर तकरीबन 2 लाख से अधिक हो सकता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का ऐलान किया था। इसके लिए उन्होंने विधायकों और सांसदों के साथ बैठक भी की थी। इसके बाद भी सपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते शिवपाल सिंह यादव ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। शिवपाल के अलावा भी कुछ सपा विधायकों के क्रॉस वोटिंग की चर्चा दिन भर होती रही है। हालांकि इसका पता 21 जुलाई को वोटिंग के बाद ही चलेगा, लेकिन ये तो तय माना जा रहा है जिस तरीके से आंकड़े हैं उस तरीके से ये कन्फर्म है कि द्रौपदी मुर्मू अगली राष्ट्रपति होने वाली है। नमस्कार।